तीसरे टेस्ट मुकाबले में इंग्लैंड के बल्लेबाज बेन डकेट ने दिखाया बैज बॉल का नमूना, तो सभी के मन में एक ही सवाल घूमने लगा कि आखिर इस मुकाबले का परिणाम क्या होगा। भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे तीसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन का जब खेल खत्म हुआ तो इंग्लैंड ने 36 ओवर की बल्लेबाजी में ही भारत के स्कोर के आधे तक पहुंच गए, वो भी सिर्फ 2 विकेट खोकर। टीम इंडिया पहले दिन के स्कोर 5 विकेट पर 326 रन से आगे खेलने के लिए मैदान पर उतरी, लेकिन पहले दिन नाबाद लौटे कुलदीप यादव और रविंद्र जडेजा दूसरे दिन जल्द ही पेवेलियन लौट गए। आर अश्विन और अपना पहला मैच खेल रहे ध्रुव जुरेल ने मिलकर टीम इंडिया के स्कोर को 400 के पार पहुंचाया और अंत में बुमराह ने भी 26 रनों का योगदान दिया और भारतीय टीम पहली पारी में 445 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। जवाबी पारी खेलने उतरे इंग्लैंड के बल्लेबाज जैक क्रॉली और बेन डकेट ने तूफानी शुरुआत की और मात्र 13 ओवर में ही 89 रन जोड़ डाले। 14वें ओवर की पहली गेंद पर आर अश्विन ने जैक क्रॉली को पटीदार के हाथों कैच आउट कर अपने इंटरनेशनल करियर का 500वां विकेट हासिल किया। अनिल कुंबले के बाद आर अश्विन दूसरे भारतीय गेंदबाज बने जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 500 विकेट हासिल किए। सरपट से दौड़ रही इंग्लैंड के रन रेट को पहला विकेट निकालने के बाद लगा कि धीमा होगा, लेकिन बेन डकेट और ओली पॉप कहां रुकने वाले थे। ओली पॉप 39 रन बनाकर सिराज की गेंद पर LBW आउट हुए, लेकिन इंग्लैंड का स्कोर 30 ओवर में 182 रन तक पहुंच चुकी थी। बेन डकेट एक एंड पर खूटा गाड़ कर खड़े रहे और मात्र 88 गेंद पर ही भारतीय सरजमी पर सबसे तेज शतक लगाने वाले पहले अंग्रेज क्रिकेटर बन गए। दूसरे दिन का खेल जब समाप्त हुआ तो इंग्लैंड 2 विकेट पर 207 रन बना लिए हैं। बेन डकेट 133 रन बनाकर नाबाद हैं, तो वहीं जो रूट 9 रन बनाकर खेल रहे हैं। इंग्लैंड के बल्लेबाज जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं उससे तो यही लगता है कि तीसरे दिन के पहले सेशन में ही स्कोर बराबर ना हो जाए। अगर ऐसा हुआ तो फिर मैच का परिणाम क्या होगा, ये आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें।